हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज मैं आ गई फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आई नो कि बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाले और मैं डाल नहीं पाती पता नहीं क्यों मतलब ऐसा मैं मतलब पंक्चुअल हूँ ही नहीं और इतनी इनडिसिप्लिन हूँ कि मैं रोज़ स्टडी भी नहीं करती तो फिर अभी मैं ट्राई कर रही हूँ मतलब ये मेरा रोज़ का डायलॉग है कि ट्राई कर रही हूँ ट्राई करूँगी ये करूँगी वो करूँगी बट मैंने शेड्यूल बनाया है जिसके हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है तो फिर पढ़ाई मैंने मतलब इंग्लिश की है मेरी फ़र्स्ट आज का रूट, आज के रूटीन में फ़र्स्ट है मेरी इंग्लिश तो इंग्लिश को मुझे पढ़ना है मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ बट उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड करना ज़रूरी है नहीं तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहे थे कि मैम ने बोला था कि सारे राइटर्स के नाम लिखने चैप्टर के राइटर्स के नाम तो फिर सॉरी लिखने नहीं है याद करने हैं तो फिर मैं यहाँ पे सिलेबस मतलब ये सिलेबस ही है तो फिर सिलेबस लिख लेते हैं और याद भी हो जाएगा अगर याद होना होगा तो हो जाएगा मैंने स्कूल में ट्राई किया बट नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर मैं घर में ट्राई करती हूँ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं होगा तो फिर से कर लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लिख कर याद कर रही हूँ तो इंग्लिश के बाद मैं मैथ्स का करूँगी और मैथ्स को मैंने डेली बेसिस पे लिया है जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी बताया है तो फिर अभी मैं रेगुलर हो रही हूँ अगर मैं पंक्चुअल और डिसिप्लिन होंगी तो फिर वीडियोस आपको डेली देखने को मिलेगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियोस को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना तो फिर अब यहाँ पे मैं याद करती हूँ लिखते लिखते तो फिर हमारे यहाँ पे फिक्शंस के कुछ चैप, चैप्टर हैं फिर कुछ पोइट्री है और कुछ ड्रामाज हैं ड्रामा मतलब सिर्फ दो ही है और पोएम और शायद पोए ज़्यादा है और फिक्शंस थोड़े कम हैं इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं मैथ्स पढ़ूँगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टेबल का मेक ओवर किया है आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा नीचे है तो फिर मैंने अपने स्टडी टेबल का मेक ओवर किया क्योंकि बहुत सारा सामान अननेसेसरीली पड़ा हुआ था तो मैंने उन सब चीज़ों को हटाया और आ, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती थी तो फिर साफ करने में भी प्रॉब्लम आती थी तो मैंने बहुत सारे सामान को हटा दिया और ऐसा रखा है कि जिससे कि ज़्यादा डस्ट ना हो और साफ़ करने में भी आसानी हो तो अगर आपको मेरे स्टडी टेबल का मेक वाला वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रपेश डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी सॉरी मेरा टंग स्लिप हो गया था तो होता रहता है और वॉइस ओवर में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है और ये मैं फोर्थ या फिफ्थ टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी Uh, तो फिर यहाँ पे मेरा मतलब कंप्लीट ही होने वाला है ये याद करने का ये लिखने का सो so, इसके बाद मैं थोड़ा तो रेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने इंग्लिश का नोटबुक से पढ़ा ही है अभी थोड़ा मोड़ा तो फिर उसके बाद कुछ तो मैं थोड़ा सा खाऊँगी उसके बाद मैं मैथ स्टार्ट करूँगी क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से मुझे पढ़ना है बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है बट पढ़ नहीं पाऊँगी आई नो बट धीरे धीरे हो जाएगा अगर मैं ट्राई करूँ तो और मेरे तो क्लासमेट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर तुम्हें मेरी पीठ पीछे बुराई करनी है तो कृपया मेरी वीडियो ना देखें और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और इतना प्यार देते हो मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी बने रहो तो फिर जैसा कि मैंने बोला था तो फिर यहाँ पर मैं चिप्स ले आई हूँ और उसे खा रही हूँ उसके बाद में मैथ स्टार्ट करूँगी तो कॉपी ऐसे छोड़ के मैं नहीं गई थी वो यहाँ पे वीडियोस थोड़ी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर उसकी वजह से यहाँ पे ये यह दिख रहा होगा ऐसा तो फिर आ, उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ स्टार्ट करूँगी सो मैथ्स में मतलब नहीं मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम मेरे दिमाग में क्या आ रहा था तो फिर मैथ्स के टाइम में मैं यहाँ पर तीन बार मैंने नोटबुक चेंज की तो ये जो मेरी नॉर्मल वाली नोटबुक है इसमें मैं बाकी सब्जेक्ट्स के वर्क करती हूँ एक मैथ्स की मतलब प्रैक्टिस वाली नोटबुक है जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और एक थ्योरिकल के लिए और एक नोटबुक है क्योंकि मतलब वो सारे रफ़ नोटबुक है तो रफ़ नोटबुक को तो मतलब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही करना चाहिए बाकी थियोरिटी थ्योरिकल के लिए अलग ही करनी चाहिए रिकॉर्डिंग के वक्त मेरी टंग इतनी ज़्यादा स्लिप स्ली होती है क्योंकि मुझे एक बार में ही पूरा जैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है तो फिर उसमें ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ मैं वॉइस ओवर के टाइम पे तो फिर मुझे एक बार में ही बोलना पड़ता है इसलिए मेरा ज़्यादातर मतलब कुछ कुछ वर्ड्स जो है मैं वो ठीक से बोल नहीं पाती हूँ और एक तो मेरी सांस भी अटक जाती है मतलब इतनी देर तक बोलना तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और थोड़ा रुक रुक के बोलना मतलब ना क्या होता है कि कभी कभी ना कॉपीराइट आ जाता है म्यूज़िक के ऊपर इसलिए मैं म्यूज़िक ट्राई नहीं कर मतलब मैं कर सकती हूँ बट को कोई कोई इस म्यूज़िक के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है तो फिर मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ती है क्योंकि अगर आ, बिन म्यूजिक के तो मजा भी नहीं आएगा किसी वीडियो में फिर देखो मैंने यहाँ पे ये नोटबुक उठाई है तो फिर लेक्चर के टाइम पे मैं चेंज कर दूँ देखो मैंने चे, चेंज भी कर दी तो फिर मैंने थियोरिटिकल पार्ट मुझे करना मतलब है मतलब कॉन्सेप्ट समझने हैं सारी चीज़ों की डेफिनेशन वगैरह समझने हैं तो फिर यहाँ पे ये मैंने ये अपनी ये स्पायर वाली नोटबुक ली है ये और मैं अभी अपने लेक्चर देखूँगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ्स मैथ्स का ये चैप्टर है चैप्टर एलेवन क्योंकि तो हमारे सिलेबस मतलब सिलेबस नहीं हमारे स्कूल में अभी यही चल रहा है यही चैप्टर चल रहा है और यहाँ पर एलेवन पॉइंट थ्री तक एक्सरसाइज पहुँच चुके हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर देखने जा रही हूँ इतने दिन मैंने पता नहीं क्या ही किए हैं सो so, मैं हूँ नीव बैच से और अगर आप भी नीव बैच से हो तो फिर कमेंट करना वी कैन बी फ्रेंड्स सो ये हमारे प्यारे ऋतिक सर हमें पढ़ाते हुए हमें इनकेज करते हुए तो फिर मैं पढ़ के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो ज़्यादा कर नहीं पाती तो फिर ये मैंने इतना कुछ पढ़ा है ये सारी मतलब सारे ये क्यूबॉइड क्यूब वगैरह के लेटर सरफेस एरिया टोला सरफेस एरिया ये वगैरह सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं आज के क्लास में और एक दो ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ज़्यादा नहीं किए हैं तो फिर ये था कुछ आज का वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब फॉर मोर बाय बाय